देखो बच्चों, आज हम कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। वस्तु द्वारा वस्तु पर बल लगाने पर बल भी दिशा में विस्थापन होता है तो लगने वाले बल और विस्थापन के अनुपात को कार्य के अगर हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक, उसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूँ, तो बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन होता है। जैसे मेरे पास ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m, इस पे बल F लगाया और ये विस्थापित होकर इधर पे आ गई, तो ये विस्थापन S हुआ। तो मेरे पास या लया कार्य W इक्वल टू F डॉट S के इक्वल आ जाता है। तो कार्य बराबर बल और विस्थापन, ठीक है। सेकंड केस आप वो तो देखिए, इसका अगर मेरे पास एक ये ब्लॉक है और मैं बल F इस दिशा में लगाता हूँ, ऐसे जैसे इस बोर्ड को मैंने बल लगाया, ठीक है, लेकिन ये विस्थापन इधर हो गया और विस्थापन के साथ ये कोण थीटा बना रही है, तो विस्थापित होके मान लो वस्तु ऐसे आ गई, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका यहाँ पर घटक F cos थीटा, यहाँ पर घटक कितना जाता है F साइन थीटा, ये विस्थापन S के मान के बराबर होता है। तो क्या हुआ कार्य W इक्वल टू F cos थीटा इंटू S के मान के बराबर होता है। इसको मैं मैनुपलेट करके लिख देता हूँ, W इक्वल टू F S कॉस थीटा। अब आप देखिए ये कैसा है, ठीक है, ये किसको परिभाषित करता है, अदिश गुणन फल को बताता है, ठीक। ये मेरे पास क्या आ जाता है, ये जो कार्य होता है, कार्य W इक्वल टू F S cos थीटा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, F डॉट S के मान के बराबर लिख सकता हूँ। क्योंकि यह दो राशियों का अदिश गुणनफल है, इसलिए कार्य मेरे पास कैसा आ जाता है, कार्य अदिश राशि है। तो कार्य को मैं क्या बोल देता हूँ, अदिश राशि के नाम से जानता हूँ। अब देखिए, ठीक है, अगर मैं इसको तो लेके चलूँ, तो नंबर एक, अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ W इक्वल टू F डॉट S,
ये मेरे पास कितना जाता है, एफ एस कॉस थीटा, यदि नंबर दो थीटा बराबर 0 डिग्री तो कॉस 0 कितने के बराबर हो जाता है, 1 के मान के बराबर हो जाता है। इन दिस केस डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, ठीक। कार की यूनिट, बल की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन। विस्थापन की यूनिट मीटर, इसलिए मेरे पास न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। इसलिए कार्य की इकाई मेरे पास जूल ये है, तो कार्य मेरे पास होता है जूल के मान के, इकाई जूल के बराबर होती है। अब देखिए मेरे पास की एस आई यूनिट कैसी हो गई, जूल, और सी जी एस, यस, तो ऐसा यूनिट इसकी क्या हो गई, जूल। सी जी एस यूनिट इसकी अर्ग हो गई। और आपको मैंने ये भी बताया था 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग। अब देखिए कार्य तो एक अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर भी कार्य को उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग हम 3 प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक हो जाता है धनात्मक, एक हो जाता है दूसरा ऋणात्मक, और तीसरा होता है शून्य। इन्हीं कार्य को हम यहाँ पर डिफाइन करके आपको समझा रहे हैं। सबसे हो तो पहले हो तो देखिए W इक्वल टू कितना आता है, एफ एस कॉस थीटा। नंबर 1 धनात्मक कार्य, यदि बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, या थीटा इक्वल टू 0 या थीटा लेस देन 90 डिग्री। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, या थीटा इक्वल टू 0 या थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। इसलिए कार्य धनात्मक कहलाता है। उदाहरण, कुएं से पानी निकालें तो बल एवं
विस्थापन ऊपर की ओर एक ही दिशा में है, अतः कार्य धनात्मक होगा। देखिए हमारे पास क्या हो गया, अगर हम कुएं से पानी निकालें तो जो बल लग रहा है इसको आप बाह्य बल भी बोल सकते हैं। तो बाह्य बल और विस्थापन की दिशा ऊपर की ओर होगी, इसलिए कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। सेकेंड नंबर का कार्य देखिए, सेकेंड नंबर के कार्य को मैं यहाँ पर ऋणात्मक कार्य बोलता हूँ। सेकेंड इज नेगेटिव, ऋणात्मक कार्य। यदि बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य नेगेटिव कहलाता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसलिए एफ इक्वल, इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस 180। ठीक, W मेरे पास कैसा हो जाएगा, cos 180 नेगेटिव, इसलिए कार्य ऋणात्मक मक होगा। अब देखिए, अगर कार्य और कार हो रहा है, बल इधर लगाऊं और विस्थापन इधर हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऋणात्मक कार्य बोल देते हैं। थर्ड मेरे पास जो आता है इसको मैं बोलता हूं थर्ड थर्ड होता है इसको शून्य कार्य बोल देता हूं। शून्य कार्य के लिए कितना है, यदि W इक्वल टू कितना है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यदि नंबर वन थीटा बराबर 90 डिग्री या सेकेंड थीटा या विस्थापन एस बराबर 0। जैसे एग्जाम्पल लेके चले अपन, तो नंबर वन जैसे पुली सिर पर लगेज लेकर जाता
तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए कॉस 90 बराबर 0, इसलिए किया हुआ कार्य W बराबर 0 के इक्वल होता है। तो देखिए कुली अगर सिर पर लगे लेके जाता है तो कुली बल यहाँ पर लगाता है ना, और उसका विस्थापन कुली का यहाँ होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए क्या हुआ कार्य शून्य हो जाता है। इसको अच्छे से नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके।